अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। चोरी हो गई है? नहीं, डकैती या फिर रॉबरी? नहीं, एक्सटॉर्शन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज फोर टर्म्स? द फर्स्ट वन इज अ थेफ्ट, चोरी। चोरी की चार किस्में, आज हम उनको डिस्कस करेंगे कि अक्सर चोरी होती तो उसके लिए कन्फ्यूजन ये होती कि यहाँ पर डकैती का वर्ड यूज़ होना, रॉबरी का होना या फिर थेफ्ट का होना। तो हम स्टार्ट करते हैं थेफ्ट से। थेफ्ट क्या है जी? किसी शख्स की, किसी फर्द की कोई मूवेबल प्रॉपर्टी होती है जो एक जगह से दूसरी जगह ले जाई जा सके। मूवेबल प्रॉपर्टी विद आउट हिज कंसेंट, उसकी रजामंदी के बगैर, बदनीति के साथ एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, अपने कब्जे में ले लेना, अपनी पोजेशन में ले लेना, ये चोरी होती है। और चोरी को थोड़ा सा कैटेगराइज किया जा सकता है उसमें, जैसा कि घर के बाहर से चोरी हुई है 379 ताज़ीरात पाकिस्तान लगेगी, घर के अंदर से हुई है, चार दीवारी के अंदर से हुई है 380, और इसी तरह अगर घर के मुलाजम ने चोरी की है 381, अगर कोई व्हीकल चोरी हुई है, मोटर बाइक, कार या इस तरह की कोई गाड़ी चोरी हुई है, उसके ऊपर 381A ताज़ीरात पाकिस्तान 381 PPC लगेगी। दूसरे नंबर पे जी रॉबरी। रॉबरी क्या है? रॉबरी में ये है कि किसी शख्स की कोई चीज़ हथियाना, एक शख्स है वो दूसरे शख्स की कोई चीज़ बगैर उसकी कंसेंट के, बगैर इजाज़त के, बदनीति के साथ हथिया लेता है, लेकिन असले के ज़ोर पर चोरी करता है, वो रॉबरी बन जाएगी। और इसके ऊपर जो दफ़ा लगेगी वो 390 लगेगी, और इसकी जो सज़ा है वो 3 साल से 10 साल तक हो सकती है, जबकि इसके मुकाबले में जो चोरी है वो माइनर है, उसकी सज़ा 3 साल तक। नेक्स्ट है जी डकैती। डकैती और रॉबरी में बिल्कुल एक माइनर सा डिफरेंस है, एक बिल्कुल छोटा सा फ़र्क है। अगर डकैती है वो 5 अफराद या 5 से ज़्यादा अफराद करें, 5 लोग हों चोरी करने वाले या 5 से ज़्यादा करने वाले हों, तो वो डकैती बन जाएगी। और असले के ज़ोर पर बिल्कुल, क्योंकि रॉबरी में भी असले के ज़ोर पर है, और असले के ज़ोर पर किसी की कोई चीज़ चोरी करना, और डकैती में भी असले के ज़ोर पर कोई चीज़ चोरी करना। लेकिन डिफरेंस ये है दोनों में कि जो डकैती, इसमें 5 अफराद होते हैं या 5 से ज़्यादा होते हैं। और यहाँ पे एक पॉइंट है कि रात के वक्त या दिन के वक्त, पंजाबी में अक्सर कहते हैं जी दिन दिहाड़े डकैती होगी, डकैती का दिन दिहाड़े के साथ अलग नहीं है, डकैती का 5 अफराद हों या 5 से ज़्यादा हों वो डकैती होगी। और नंबर 4 पे हमारे पास एक्सट्रोशन। एक्सट्रोशन क्या होता है? जिसे तवान बोलते हैं, कराची में ये सिलसिला बहुत आम है कि किसी शख्स की कोई चीज़, कोई मूवेबल या इमूवेबल, चोरी में हमने सिर्फ मूवेबल की बात की थी, यानी कि वो चीज़ जो एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल की जा सके, जबकि एक्सट्रोशन में कोई भी चीज़, किसी शख्स की कोई चीज़ हथिया लेना और उसको धमकी देना, थ्रेट करना कि भाई अगर आप मुझे अपनी मोटरसाइकिल नहीं दोगे या कार नहीं दोगे या 50 लाख रुपया नहीं दोगे या इस प्रॉपर्टी के जो कागजात हैं उन पर साइन नहीं करोगे, मैं आपके बेटे को उठा लूँगा और उसको मैं कत्ल कर दूँगा या आपको मैं नुकसान पहुँचा दूँगा, आपकी टांग काट दूँगा, ऐसी कोई धमकी देना, तो उसको एक्सट्रोशन बोलते हैं। और यहाँ पर एक्सट्रोशन और जो रॉबरी है, इसमें एक बिल्कुल डिफरेंस भी है। रॉबरी में भी असले के ज़ोर पर है, लेकिन एक्सट्रोशन में सिर्फ धमकी है। रॉबरी में देखें इमीडिएट डेंजर है, फौरी तौर पे नुकसान पहुंचाया जा सकता है।